नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चों, मोशन होता क्या है? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक गई, मतलब मैं किस में हूँ? मोशन में हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, चेंजेस इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी विथ टाइम। देखिए, कोई भी बॉडी है, जैसे मेरी बॉडी ले लो, चाहे आप इस मार्कर की बॉडी ले लो, अगर वो अपने पोजिशन को चेंज कर रहा है विथ टाइम, तो ये क्या हो गया? मोशन हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन और नॉन लीनियर मोशन। ठीक है बच्चों, अभी ये लीनियर मोशन क्या होता है? जैसे आपने ट्रेन और कोई भी व्हीकल देखा होगा जो रोड पे चलते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर के जाते हैं, ऐसे जाते हैं क्या? नहीं, कैसे जाते हैं? स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। तो ये क्या हो गया? लीनियर मोशन हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अ ट्रेन और अ मूविंग व्हीकल ऑन अ रोड मे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और इन सेम डायरेक्शन, दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए लीनियर मोशन में हमें टू टाइप्स के मोशन पढ़ने हैं। कौन कौन से? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है? देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम इज कंटिन्यूअसली द सेम, द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। लेकिन जो उसकी स्पीड है ना, वो क्या है? हर जगह सेम है। जैसे आपने सोल्जर्स की परेड देखी होगी, वो एक ही स्पीड से चलते हैं, है ना, जब परेड करते हैं, चाहे उनको कितनी भी दूरी जाना हो, लेकिन वो एक ही स्पीड से जाएंगे, अपनी स्पीड को चेंज नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया। ठीक है बच्चों, अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है ना, ये इसके अपोजिट है। इसमें क्या होता था, जो स्पीड रहेगी उनकी सेम ही रहेगी, लेकिन इसमें क्या होता है, जो स्पीड है ना, वो चेंज हो जाता है। कैसे? देखिए, द मोशन ऑफ अ ट्रेन, जो ट्रेन होता है, आपने देखा होगा जब वो चालू होता है तो कैसे धीरे धीरे चलता रहता है, फिर आगे जाने के बाद वो क्या करता है? स्पीड पकड़ता है। मतलब पहले वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन आगे जाने के बाद जो उसकी स्पीड है वो बढ़ गई। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मतलब यहाँ पर जो स्पीड है ना, वो चेंज होती है, और यहाँ पर क्या होता है? सेम रहता है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो लीनियर मोशन में हमें बस इतना ही पढ़ना था। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नॉन लीनियर मोशन। अब ये नॉन लीनियर मोशन क्या होता है? देखिए बच्चों, लीनियर मोशन में क्या होता था, जो ऑब्जेक्ट रहता था वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता था। अब इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है ना, वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन लीनियर मोशन। अब हमें यहाँ पर नॉन लीनियर मोशन के ना कुछ टाइप्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? ऑसिलेटरी मोशन, पेरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। ठीक है, जितना आपके टेक्स्ट बुक में दिया है हम बस उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ये क्या होता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज ऑसिलेटिंग, दैट इज स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। देखिए इसमें क्या होता है, जो बॉडी है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो आपने स्विंग देखा होगा, झूला। देखिए झूला कैसे होता है, ऐसे होता है ना, इस पर आप क्या करते हो, इधर बैठ जाते हो, ठीक है, इधर बैठने वाला रहता है। तो जो झूला रहता है वो कैसे, एक बार इधर जाता है, फिर एक बार इधर आता है ना, बार बार वो आगे पीछे होता रहता है, एक बार इधर, फिर एक बार इधर तक जाएगा। तो ये किस टाइप का मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पेरियोडिक मोशन। तो ये क्या होता है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासिस थ्रू अ सर्टन पॉइंट अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स पीरियड इज कॉल्ड पेरियोडिक मोशन। मतलब देखिए, ऑब्जेक्ट का वो मोशन जिसमें जो ऑब्जेक्ट है ना, वो किसी एक पॉइंट से बार बार क्या होता है, पास होता है, और आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे जो टाइम है ना वो फिक्स रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरियोडिक मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। जैसे देखिए ये क्लॉक है, और
सपोज करो कि ये है इसका मिनट हैंड, ठीक है। तो अब ये जो मिनट हैंड है ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा? 60 मिनट लेगा, है ना। यहाँ तक वो एक बार में एक राउंड जब उसने लगाया तो 60 मिनट में वो फिर अपने उसी पॉइंट पर आ गया। अब इसी पॉइंट पर फिर वो कितने टाइम बाद आएगा? 60 मिनट बाद आएगा। तो देखिए ये जो मिनट हैंड है ये बार बार एक ही पॉइंट से पास हो रहा है और फिक्स्ड टाइम है इसका, है ना। 60 मिनट में हर बार ये उस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ये क्या है? पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्या पढ़ना है? सर्कुलर मोशन। तो ये क्या होता है? बहुत ही ईजी है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर वो सर्कल की तरह मूव कर रहा है तो वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। जैसे मोमेंट ऑफ अ फैन, देखिए फैन कैसे घूमता है? सर्कल में घूमता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन का। देखिए यहाँ पर लिखा है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ओके। और यहाँ पर लास्ट में क्या पढ़ना है? रैंडम मोशन। बहुत ईजी है ये भी। देखिए द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूली इज कॉल्ड रैंडम मोशन। देखिए वो मोशन जिसमें जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या करता है? कंटिन्यूसली अपने स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। इस मोशन को हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइंग काइट, देखिए जो काइट है जब आप उसको उड़ाते हो तो फिक्स थोड़े ना रहता है कि उसका स्पीड हर जगह सेम रहेगा। उसकी स्पीड चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। इट मीन्स ये जो फ्लाइंग काइट है ये क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? रैंडम मोशन का। वैसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कोई बटरफ्लाई उड़ रही है तो उसने ये फिक्स करके थोड़े ना उड़ी है कि वो अपनी स्पीड को सेम ही रखेगी। उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, उसका डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। जहाँ पे उसको फूल दिखेगा वो वहाँ पर जाएगी, ऐसा थोड़े ना कि वो सीधे सीधे ही जाएगी, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके? रैंडम मोशन के, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर मोशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा जिसमें हमने लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन के ना टू मेन टाइप्स पढ़े, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। फिर यहाँ पर हमने नॉन लीनियर मोशन पढ़ा जिसमें हमने ऑसिलेटरी मोशन देखा, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन देखा। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है? स्पीड। तो देखिए बच्चों स्पीड क्या होता है? देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्पीड गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। मतलब कोई भी अगर मूविंग बॉडी है तो वो कितना फास्ट या फिर कितना स्लो है इसका आइडिया हमें कौन देता है? स्पीड देता है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। और बच्चों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।